नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र यादव अपने YouTube चैनल हरियाणा जीके बाई उपेंद्र यादव सर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स पर रहेगी और इस क्लास में हम फटाफट रिवीजन करेंगे क्लास का करंट अफेयर्स का। तो क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके साथ कि हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित कृषि सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, हरियाणा का जो आपका विश्वविद्यालय है चौधरी चरण सिंह HAU जो विश्वविद्यालय है उसको सम्मानित किया गया, कृषि अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों, कृषि शिक्षा सम्मान कहा जाता है इसको और उनको यह सम्मान पहले भी दिया जा चुका है। दोस्तों, क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। झज्जर जिले के किस गाँव को डिजिटल गाँव बनाया जा रहा है? झज्जर जिले के किस गांव को डिजिटल गांव बनाया जा रहा है? तो एक सांखोल गांव है झज्जर का। कौन सा गांव है दोस्तों? सांखोल। डिजिटल गांव है सांखोल, उनको डिजिटल गांव बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले के सतीश ने रिकॉर्ड समय में बोतल तोड़कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया? हरियाणा के किस जिले के सतीश ने बोतलें तोड़कर गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, ये पूछना चाहता है दोस्तों। तो सतीश कुमार किस जिले के ये बताना इन्होंने क्या किया है? बोतलें तोड़कर नाम दर्ज करवाया है। तो इसमें ऑप्शन था पंचकुला, पलवल, करनाल, अंबाला। तो सतीश कुमार जो है वो करनाल जिले से संबंधित है। इन्होंने 2.65 नैनो सेकंड के अंदर 10 बोतलें तोड़कर रिकॉर्ड अपने नाम किया है दोस्तों। और एक मिनट के अंदर इन्होंने लगभग 75 बोतल तोड़ी हैं दोस्तों। एक मिनट में कितनी तोड़ दी? 75 बोतल। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है झज्जर, इसाक, करनाल, गुरुग्राम। पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग का खिताब झज्जर जिले ने जीता है दोस्तों, झज्जर। अगला है, इसमें अगर ये पूछा जाए दोस्तों आपको कि झज्जर की टीम ने किसको पराजित किया था, तो हिसार की टीम को पराजित किया था और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम थी जींद। अगला क्वेश्चन आता है, इसी चैंपियनशिप में अगर महिला वर्ग की बात की जाए तो किसने जीता? 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? महिला वर्ग, तो महिला वर्ग का खिताब दोस्तों जींद ने जीता है। किसने जीत लिया? जींद ने जीत लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया गया?
47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन हिसार जिले में किया गया था दोस्तों। अगला है, हरियाणा के किस जिले में प्राचीन मंदिर बाबा प्रसाद गिरी का शक्तिपीठ है? अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में प्राचीन बाबा प्रसाद गिरी का शक्तिपीठ, बाबा प्रसाद गिरी का शक्तिपीठ कहां पर है दोस्तों, ये बताना है। तो ये आपका झज्जर जिले में है। कहां है? झज्जर जिले में है शक्तिपीठ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी? क्वेश्चन सुनिए, अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी? ऑप्शन है रेलवे, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा रेलवे। सही आंसर क्या होगा? रेलवे। रेलवे ने दोस्तों 10 में से 6 स्वर्ण पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। रेलवे 10 में से 6 स्वर्ण पदक जीते हैं रेलवे ने। अगला क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 किस जिले में आयोजित की गई? ऑप्शन है भिवानी, करनाल, रोहतक, पानीपत। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन दोस्तों पानीपत जिले में किया गया था। कौन से जिले में? पानीपत जिले में मार्च के महीने में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस हरियाणवी ने फिलीपींस में मिस ग्लैमर बुक इंटरनेशनल एम्बेसडर, मिस ग्लैमर बुक इंटरनेशनल बुक नेशनल एम्बेसडर 2019 का खिताब जीता? क्वेश्चन सुन लीजिए, किस हरियाणवी ने फिलीपींस में मिस ग्लैमर बुक इंटरनेशनल एम्बेसडर 2019 का खिताब जीता है? ऑप्शन में है सोनिया सोनी, कंचना रहीजा, रितु लखीना, कविता शर्मा। तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों रितु लखीना। रितु लखीना हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली है। रितु लखीना को जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली है। रितु लखीना जो है वो ग्लोबल कैंसर कन्वर्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। लिख देता हूं मैं यहां पे ग्लोबल कैंसर कन्वर्सन इंडिया कन्वर्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों ये, जिसमें कैंसर से बचाव के लिए लोगों को इन्होंने जागरूक किया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा के किस गांव में बोरवेल में गिरे नदीम नामक बच्चे को सकुशल बचाया गया? नदीम पीछे आपने देखा था, काफी न्यूज में रहा था नदीम, ये बोरवेल में गिर गया था। इस बच्चे को बचा लिया गया। तो ये हरियाणा के किस गांव का है? ये बाल संबंध गांव का है। बाल संबंध गांव है ये। गांव कहाँ पड़ेगा दोस्तों? हिसार के अंदर पड़ेगा। बाल संबंध है ये बच्चा, केवल 15 महीने का बच्चा था जो कि बोरवेल में गिरा और इसको सकुशल बचा लिया गया था दोस्तों।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा में किसकी तर्ज पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का गठन किया गया? स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर, स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर, हरियाणा में किसकी तर्ज पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का गठन किया गया? ऑप्शन में है राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ, नेशनल कैडेट कोर, इंडियन आर्मी सर्विस, स्टूडेंट यूनियन सर्विस। तो सभी को पता है नेशनल कैडेट कोर की तर्ज पर, नेशनल कैडेट कोर की तर्ज पर हरियाणा में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का गठन किया गया। दोस्तों इसको एसपीसीसी नाम दिया गया, एसपीसीसी स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर दोस्तों, और ये आपको पता ही है एनसीसी इसका नाम है पूरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। YMCA फरीदाबाद के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? YMCA फरीदाबाद के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है दोस्तों विश्व गुरु शिरोमणि सम्मान, शिक्षा गुरु सम्मान, रंक बंधु शिक्षा शिरोमणि सम्मान, द्रोणाचार्य सम्मान। तो जैसी इसको आपको पता है कि YMCA फरीदाबाद को नाम बदल दिया गया है और इसका जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसका नाम किया गया है, और इसके जो कुलपति हैं जो उनका नाम है प्रोफेसर दिनेश कुमार, उनको रंक बंधु शिक्षा शिरोमणि सम्मान, शिक्षा शिरोमणि सम्मान दिया गया प्रोफेसर दिनेश कुमार को। और ये किसमें है भाई, कुलपति हैं YMCA फरीदाबाद के कुलपति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले मतदाताओं को वोट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टच स्क्रीन स्थापित की गई? हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टच स्क्रीन की स्थापना की गई, ये बताने दोस्तों आपको। ऑप्शन में है कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, पलवल। तो इसका सही आंसर आएगा कुरुक्षेत्र, सही आंसर क्या आएगा कुरुक्षेत्र में की गई थी सबसे पहले। हरियाणा युवा कल्याण एवं खेल विभाग के निदेशक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा युवा कल्याण एवं खेल विभाग कौन है ये पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में है केशव दास, पीके दास, भूपेंद्र सिंह, रविश कुमार। तो इसके निदेशक है भूपेंद्र सिंह इसके निदेशक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में नव गठित राजनीतिक पार्टी जेजेपी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? राजनीतिक पार्टी जेजेपी, जेजेपी का पूरा नाम है जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह दोस्तों कौन सा चुनाव चिन्ह इनको मिला है? चाबी कौन सा मिला है?
चाबी मिला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के 12वें संस्करण में हरियाणा के राहुल तेवतिया किस टीम से खेले थे? राहुल तेवतिया हरियाणा के हैं, राहुल तेवतिया आईपीएल 12वें संस्करण में किस टीम से खेले थे ये पूछा है दोस्तों। और ये दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेले थे, दिल्ली कैपिटल। और दोस्तों राहुल तेवतिया जो हैं ये फरीदाबाद जिले के हैं, कौन से जिले के रहने वाले हैं? फरीदाबाद जिले के रहने वाले हैं। इनको इस टीम ने 3 करोड़ में खरीदा था। अगला क्वेश्चन आता है, सीआरपीएफ ने अपने कादरपुर स्थित सेंटर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सीआरपीएफ ने कादरपुर है दोस्तों, कादरपुर आपका गुरुग्राम में पड़ेगा, गुरुग्राम में स्थित सेंटर में अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया, 80वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। अगला आता है, हरियाणा के किस जिले में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया? हरियाणा के किस जिले में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया दोस्तों, ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपके सामने है सोनीपत, करनाल, पानीपत, अंबाला। तो जो समझौता एक्सप्रेस में जो एनआईए जो ब्लास्ट हुआ था ये हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ था, कौन से जिले में हुआ था? पानीपत जिले में हुआ था, उनके लिए सुनवाई है। अगला क्वेश्चन आता है, वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 सितंबर, 23 मार्च। तो इसका सही आंसर आएगा 23 मार्च, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में 23 मार्च को इस दिन को मनाया जाता है दोस्तों। और हरियाणा वीर शहीदी दिवस की अगर बात की जाए, शहीदी दिवस वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 किस तारीख को हुए? तो आपको पता है लोकसभा चुनाव 2019 हरियाणा में किस तारीख को आयोजित हुए? तो 12 मई को आयोजित किए गए थे। किस तारीख को आयोजित हुए थे ये चुनाव? 12 मई को आयोजित किए गए थे। अब इसमें कई बार चरण पूछ लेता है, तो कौन सा चरण था? छठा चरण थे, छठे चरण में आयोजित किए गए। इनका फैसला जो आया था, रिजल्ट आया था, वो 23 मई को डिक्लेयर हुआ था रिजल्ट दोस्तों। और हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, आपको बताइए। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा MDR-TB सेंटर खोला जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा MDR-TB सेंटर खोला जा रहा है दोस्तों? तो ये सेंटर सोनीपत जिले के अंदर खोला जा रहा है। MDR-TB सेंटर किस जिले में खोला जा रहा है दोस्तों? सोनीपत के खानपुर कला में। आपको पता है कि भरत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, में प्रदेश का दूसरा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस MDR-TB सेंटर दोस्तों। ये पहला इसका रोहतक में खोला गया था, दूसरा सोनीपत में। ये कौन सा है? दूसरा है। अगर पहला पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, पहला रोहतक में, रोहतक के अंदर खोला गया था पहला। क्वेश्चन अगला था आपके सामने, हरियाणा प्रदेश का पहला एबिक सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है?
एबिक सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये हिसार जिले के अंदर बनाया जा रहा है। इसमें किसानों को खेती से जुड़े प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला आता है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? तो मार्कंडे आहूजा, सिंपल है, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वीसी कौन है दोस्तों, ये बताना है। तो मार्कंडे आहूजा, मार्कंडे आहूजा वहां के वीसी हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? हरियाणा में मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यीकरण प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो ये 15 अगस्त 2011 को शुरू की गई। ये 15 अगस्त 2011 को शुरू की गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उदय भानु हंस को राज्य कवि का सम्मान दिया था? उदय भानु हंस को राज्य कवि का सम्मान दिया था, कब दिया था? उदय भानु हंस को राज्य कवि का सम्मान, तो दोस्तों ये 1967 में दिया गया था, 1967 में दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हरियाणा के किस जिले में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी स्थापित की गई? तो आपको पता है ये हिसार के अंदर स्थापित की गई है एरोस्पेस यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के वीसी किन्हें नियुक्त किया गया है? एस के गखड़, आईजीयू मीरपुर, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के वीसी वाइस चांसलर किन्हें नियुक्त किया गया ये पूछना चाहता है, तो ये है डॉक्टर एस के गखड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में हाथी बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया? हाथी बचाओ एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया, तो ये दोस्तों यमुनानगर, यमुनानगर का गांव है बंसत, तो गांव के अंदर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग सोनीपत, रोहतक, झज्जर और दादरी जिलों को आपस में जोड़ता है? कौन सा नया राष्ट्रीय राजमार्ग सोनीपत झज्जर रोहतक दादरी जिलों को आपस में जोड़ता है? तो वो 34B है, NH 334B है, जो कि सोनीपत रोहतक दादरी झज्जर को आपस में जोड़ने का काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में बाबा मस्तनाथ की समस्ती में वार्षिक उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये आपको पता ही है, रोहतक जिले के अंदर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ने करनाल जिले में किस किसान को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा करनाल जिले के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह है, ये एक किसान है, इनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री। ये कहां से है? करनाल के रहने वाले हैं, करनाल में दोस्तों, ये बुटाना गांव के रहने वाले हैं दोस्तों। इन्होंने मछली बीज हैचरी का निर्माण किया था, उसी के लिए सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये आज हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।